असल वालकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे आज ऐसी रेसिपी लेके आई हूं जिसको आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर दोनों में खा सकते हैं तीनों में खा सकते हैं और खास करके अगर ये आप बच्चों को बनाकर देंगे ना तो उनके लिए ये सुपर हेल्दी रेसिपी होगी और उनको बहुत पसंद आएगी क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ चौमिन स्टाइल वरमि वरमिछली तो आपने बहुत खाई होगी लेकिन इसको चौमिन स्टाइल में कैसे बनाते हैं ये आपको बताऊंगी इसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल होंगी और ये जो वरमिस्िली है ये सैमोलीना की है यानी कि सूजी की बनी हुई है इसलिए ये हेल्दी है इसमें कोई तरह का मैदा यूज नहीं हुआ है आती तो ये आटे की भी है और मैदे की भी लेकिन मैंने यहाँ पे सूजी वाली इस्तेमाल की है ये पहले से रोस्ट होती है लेकिन इनको हम थोड़ा सा और रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि बाजार वगैरह से समझ में नहीं आता है कि रोस्ट है कि नहीं है क्योंकि कलर वाली भी बेच देते हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और थोड़ी सी गाजर ली है जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है एक टमाटर है एक प्याज़ है थोड़ा सा पत्ता गोभी है पीनट्स है यहाँ पे थोड़े से थोड़े से मटर है मटर को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और यहाँ पे ये वर्मिस मैं दिखा रही हूँ सूजी की बनी हुई आप देख सकते हैं इनके ऊपर एक ब्राउन कलर है बोलते हैं कि ये रोस्टेड है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि उससे और ज़्यादा टेस्ट इनहेंस हो जाता है तो दो तीन टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ और उसमें सबसे पहले हम पीनट को फ्राई कर लेंगे जैसे कि आप पोहा वगैरह बनाती हैं तो पीनट को फ्राई करके निकाल लेती हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पीनट्स को फ्राई करके निकाल लेना है आप चाहे तो पीनट डालें नहीं मन है तो मत डालें पीनट का टेस्ट इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद या आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्शनल है तो ये हल्के हल्के से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूंगी आप देख सकते हैं इनपे एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसी तरह के पीनट्स को फ्राई कर लेना है और करके निकाल लेना है वैसे ये चौमन स्टाइल है इसमें पीनट्स का काम नहीं होता लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब मैं पीनट्स डाल के इसको खाती हूँ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ तो ये देखिए पीनट्स फ्राई हो चुके हैं मैं इसे एक बोल में निकाल के अलग ले रख लेती हूँ और उसके बाद हम फ्राई क्या करेंगे रोस्ट करेंगे जो वर्मिस्िली है उसको भी हम थोड़े से ऑयल में ही फ्राई करेंगे जो ऑयल इसमें बचा हुआ है अभी पीनट फ्राई करने के बाद उसी में हम जो है वर्मिसली को भी रोस्ट कर लेंगे ये देखिए एक कटोरी के करीब हमने वर्मिसली ली है और इसको हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे अगर फ्राई करने से क्या होता है 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 एकदम खिली खिली बनती बिल्कुल आपस में चिपकती नहीं है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में बिल्कुल भी गीली गीली सॉगी सी नहीं होती है तो ये देखिए हल्का सा बस दो मिनट के लिए इसको इस तरह से चला लीजिएगा धीमी आंच पे तेज आँच पे मत करिएगा वरना ये जल सकती है और धीमे धीमे इस तरह से हिलाते रहिएगा बीच बीच में ताकि ये जले नहीं और इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है पहले से कलर था लेकिन थोड़ा सा और कलर अच्छा आ गया और इसे हम इस तरह से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे तो थोड़ा सा फैला के रखिएगा तो थोड़ा सा जो है इसका जो ऑयल है वो निकल जाएगा बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाएगी उसके बाद सेम कढ़ाई में फिर से तीन चार टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डाल लें ऑयल आप अपने हिसाब से कम बढ़ा कम कर सकती हैं बढ़ा भी सकती हैं उसके बाद सबसे पहले मैंने प्याज को डाला है और प्याज को हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेंगे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का नहीं करना है बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए बस इतना काफ़ी है उसके बाद तीन से चार पत्ते करी पत्ता लिया है मैंने जो ड्राई रखा रहता है मेरे के पास वही है अगर आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकती हैं एक चौथाई चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें तो थोड़ा सा जरूर डालिएगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है इसलिए इसे ज़रूर डालिएगा इसमें जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल भी हैं अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ें सब्जियां वगैरह स्किप भी कर सकती हैं जो अपनी पसंद की भी डाल सकती हैं तो यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्जियां काट के रखी थी वो सारी की सारी एक एक करके मैं सारी डाल देती हूँ और सब्जियों को थोड़ी देर के लिए हमें इसमें सॉटे करना है ताकि उन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए और वो एकदम हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमें गलाना नहीं है बस हल्का सा ही ये वर्म इसलिए के साथ ही पकेंगी और इनका टेस्ट आ जाएगा थोड़ी सी कच्ची पक्की ही सब्जियां होंगी तभी इसमें टेस्ट अच्छा लगेगा तो दो मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया उसके बाद हम डालते हैं नमक नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिएगा मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक डाल दिया है हाफ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाल रही हूं अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो मत डालिएगा चिली फ्लेक्स ऐसी सादी भी बना सकती है या ब्लैक पेपर भी डाल सकती हैं काली मिर्च का पाउडर वो भी अच्छा लगता है तो काली मिर्च के डालने के बाद सॉरी चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैं वन टी के करीब डाल रही हूँ यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस बहुत अच्छा टेस्ट देगी और ये एक एक, एक रुपए वाले जो पाउच आते हैं वन टीस्पून के करीब समझ लीजिएगा टोमेटो सॉस है तो वो डाल दूंगी और उसको डालने के बाद इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इनसे और वन टीस्पून के करीब सोया सॉस डाल देंगे सोया सॉस भी बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर डालिएगा और चाउमीन है तो ज़रूरी है इसमें डालना तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से वेजिटेबल हमारे सॉटे हो गई हैं अब हम डालेंगे इसमें वर्म इसलिए जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब्जियों में ये अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए धीरे धीरे इस तरह हल्के हल्के हाथों से इसे विक्स कर दीजिएगा और जितनी वर में सिली तो अगर एक कटोरी के करीब आपकी वर में सिली तो उसमें दो कटोरी के करीब आप पानी डाल देंगे एकदम परफेक्ट आएगा ना ज्यादा गीली होंगी और ना बहुत ज्यादा ड्राई रहेगी तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर दिया है अब हम डालेंगे इसमें पानी तो पानी जैसा कि मैंने बताया कि डबल यानी दो कटोरी के करीब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूं और अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे यानी चला देंगे ताकि पानी इक्वल हो जाए और उसके बाद लिड लगा के आप सिर्फ दो मिनट के लिए इसको रखेगा या एक मिनट के बाद आप चेक भी कर सकती हैं क्योंकि कभी कभी जल्दी भी हो जाती है तो धीमी आज पे बस एक से डेढ़ मिनट के लिए इसको देख लीजिएगा उसके बाद ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है हम इस तरह करके देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये चौमिन स्टाइल वाली वर्म इसलिए बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ही लग रही है एकदम खिली खिली सी बनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खिली खिली बनी है बिल्कुल भी सौगी नहीं हुई है और चलिए इसे सर्व करते हैं तो मैं अब डाल रही हूँ उसके ऊपर से डालिएगा फ्राई पीनट्स बहुत अच्छे लगेंगे सबसे लास्ट में डालिएगा थोड़ा सा क्रंच आएगा इन पीनट्स का तो ये खाने में बहुत अच्छी लगेंगी तो ये देखिए पीनट्स डालने के बाद मैंने ऐसे अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया है और अब बारी आती है इसकी सर्व करने की तो गर्मा गर्म बनाएं और गर्मा गर्म अपने बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं और कैसी लगी रेसिपी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ये देखिए कितनी खिली खिली सी वर्म इसीलिए बनकर तैयार हो गई है और अगर इसका टेस्ट पसंद आए तो तब कहिएगा कि इतनी लाजवाब ये बनती है कि खा के आपका दिल खुश हो जाएगा और सबसे ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है कि हेल्दी है ढेर सारी सब्जियां हम खा सकते हैं इसके जरिए तो चलिए जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगे और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह